In 2015, when everything felt normal, something not so normal happened. Yeah, ye kehna chahiye ke that year Bahubali happened. Soon after, when Rajamouli's Bahubali films were put into the evergreen classics list, he announced his next film, jiska naam tha RRR. Ye dekhkar ke what great magic Bahubali films had been, aur ye sochkar ke ab inse behtar koi films banayi nahi ja sakti, un logon ne jinhone Bahubali se pehle SS Rajamouli ki koi bhi film nahi dekhi thi, un logon ne baat karna shuru kar diya ke Rajamouli himself cannot make any other masterpiece happen like Bahubali. Is par Rajamouli was like, shut up, bitch. I'm Rajamouli and I can do anything. And then RRR got released and we all know what happened afterwards. Looking into Rajamouli's filmography, unki har film ko nazdeek se dekhkar, we see a progressive flow diagram of great filmmaking. Unki har film dusri film se kisi na kisi aspect mein better hoti hai. Unki stories, characters, drive, even you cannot ignore the perfection he holds with mise-en-scene, which in simple terms refers to everything in front of a camera. लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद देयर इज दिस वन थिंग आई फाउंड एंड आई रिसेंटली फाउंड जो SS Rajamouli को एक लेजेंड फिल्म मेकर बनाती है. व्हाट आई फाउंड इज लाइक अ स्मॉल ट्रिक बट सो इफेक्टिव कि अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी फिल्म को एक नेक्स्ट लेवल फिल्म बनाया जा सकता है. जब मैंने ये चीज़ नोटिस की और ये एलिमेंट डिस्कवर किया इन Rajamouli फिल्म्स, तो जब मैंने इस एलिमेंट को नोटिस किया तो मैंने SS Rajamouli की सभी फिल्म्स को एक बार दोबारा से विजिट किया. एंड गेस व्हाट, मुझे पता चला कि इन एक्चुअल मीन्स दिस ट्रिक इज SS Rajamouli's फेवरेट ट्रिक एंड इट इज SS Rajamouli's परफेक्ट ब्लो टू मेक एनीथिंग हैपन गॉडली. और मुझे ये पता चला कि SS Rajamouli काफी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर उनकी फिल्म में ये एक चीज मिसिंग हो जाती है तो पूरी की पूरी फिल्म फ्लॉप इजीली बन सकती है. एंड दैट ट्रिक इज कॉल्ड. उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें. सो द ट्रिक इज कॉल्ड द एक्शन रिएक्शन चेन. एक रात मैं ऐसे किसी काम से YouTube स्क्रॉल कर रहा था एंड मेरे सामने बाहुबली 1 के एपिक बैटल सीन का एक फॉरेन रिएक्शन आया. ये ऐसे वीडियोस होते हैं जिनमें कुछ फॉरेनर्स बैठ के फिल्में देख रहे होते हैं और हमें उनका रिएक्शन देखने को मिलता है. थिंकिंग लाइटली ऑन दिस, वी वुड कंक्लूड के जिस फिल्म को हम पहली बार देख चुके हैं या दूसरी या कई बार देख चुके हैं, उसको हम क्यों ही किसी एक घंटे की वीडियो में देखेंगे जस्ट टू सी द रिएक्शंस ऑफ सम फॉरेनर्स. हम सबको लगेगा कि कितना स्टूपिड है, बट यू नो व्हाट, लोग इन चीजों को देखते हैं और एंजॉय करते हैं, उन कभी स्किप नहीं कर पाते. इवन वो कमेंट सेक्शंस में जाकर उन फॉरेनर्स को मूवीज सजेस्ट भी करते हैं ताकि वो उन पर रिएक्शन दे सकें. जब मैंने इन सारे रिएक्शन चैनल्स को एनालाइज किया, उनके कमेंट सेक्शंस को एनालाइज किया, तो आई फाउंड अ पैटर्न इन द फिल्म्स दे वर वॉचिंग और वर बीइंग रिकमेंडेड. थ्री इडियट्स, दंगल, KGF फिल्म्स, पुष्पा एंड सबसे ज्यादा यू विल फाइंड द SS Rajamouli फिल्म्स, ईगा, बाहुबली, RRR. तो आई काइंड ऑफ हैड अ क्वेश्चन इन माई माइंड आफ्टर दिस, वो ये कि वो क्या बात है कि हम कुछ फिल्मों को बहुत बार देख पाते हैं और कुछ फिल्मों को एक बार देखने के बाद हम कभी देखने की कोशिश नहीं करते. वो क्या चीज़ है, वो क्या एलिमेंट है जिसकी वजह से हम चाहते हैं, हम दूसरों को मूवी सजेस्ट करते हैं और हम कहते हैं कि इस वाले सीन को देखो या उस वाले सीक्वेंस को देखो. तो मेरे जहन पर ये चीज़ तारी हो गई कि व्हाट एक्चुअली इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट. द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज द ह्यूमन साइकोलॉजी हाईजैक. ये क्या है, इससे पहले आप बताइए कि बाहुबली 1 के इस वाले सीक्वेंस में वो कौन से दो सीन्स हैं जो इस पूरे सीक्वेंस को पावरफुल बनाती है. कहीं ये दो सीन्स तो नहीं. चलिए इसके अलावा इस सीक्वेंस में आप बताइए कि वो कौन से दो सीन्स हैं जो इस पूरे सीक्वेंस को इतना पावरफुल बनाती है और फेवरेट बनाती है. क्या ये दोनों सीन्स नहीं है वो जो आप सोच रहे हो? चलिए इसमें ट्राई करते हैं. आप बताइए कि इनमें वो कौन से सीन्स हैं जो आपके फेवरेट्स हैं या फिर आपको काफी पावरफुल या इंपैक्टफुल लगती है. कहीं वो ये दो सीन्स तो नहीं.
अगर आपको नहीं लगता तो दोबारा जाकर इन सीन्स को देखिए और फिर आकर अपनी ओपिनियन को रिव्यू करिए। इन सीक्वेंसेस में ये पैरेलल सीन्स ह्यूमन साइकोलॉजी, हाईजैक और एक्शन रिएक्शन चेन की परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। व्हेन यू लुक एट राजामौली'स फिल्म्स, ही ऑलवेज गिव्स यू दीज लार्जर देन लाइफ हीरोइक गॉडली कैरेक्टर्स, और इन कैरेक्टर्स का इन्फ्लुएंस अच्छे से दिखाना काफी इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो फिल्म में अच्छे से पावर और इम्पैक्ट के डायनामिक्स को शो करें। और सेम विजन को लेकर एसएस राजामौली इस्तेमाल करते हैं एक्शन रिएक्शन चेन, जहां पहले परफेक्शन के साथ एसएस राजामौली किसी कैरेक्टर के स्ट्रेंथ और उसके इन्फ्लुएंस को दिखाते हैं, जिसे आप एक्शन वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं। एंड देन ही रिकॉर्ड्स अनदर सीन, द सेकेंड सीन और अदर चेन ऑफ सीन्स, जिनको आप रिएक्शन समझ सकते हैं, जिसमें वो उस इन्फ्लुएंस और स्ट्रेंथ के सराउंडिंग के ऊपर रिएक्शन को दिखाते हैं। सोचिए कि अगर पहले सीन में जहां पे हमें स्ट्रेंथ और इन्फ्लुएंस दिखाया गया उस कैरेक्टर का, उसके बाद हमें रिएक्शन सीन्स ना दिखाए जाते, तो क्या ये सीक्वेंस इतना इम्पैक्टफुल और इतना पावरफुल हो पाता? आई बेट आज तक आपने जितनी भी फिल्म्स देखी है उनमें आपके फेवरेट मोमेंट्स वही हैं जिनमें पहले तो आपका कैरेक्टर सेट हुआ था, आपको साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई किया गया था, एंड उसके बाद आपको ऐसे सर्टेन रिएक्शंस दिखाए गए थे, लोगों के रिएक्शंस या सराउंडिंग के रिएक्शन, जिससे वो ह्यूमन साइकोलॉजी हाईजैकिंग से, इस एक्शन रिएक्शन चेन से आप इतने सेटिस्फाइड हो जाते थे कि आपको वो सीन बार बार देखने का मन करता था। और यही होता है इन रिएक्शन वीडियोज में।